हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेवंथ पे कमीशन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे जो सैलरी में इंक्रीज और एरियर में इंक्रीज, जो कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए तो जो है ऑर्डर आ चुके हैं और जिन एम्प्लॉयज़ के लिए जो है ऑर्डर प्रोसेसिंग में है और उसमें जो है बेसिकली जो सैलरी में जो इंक्रीज़ होने वाला है और बाकी और जो अलाउंस और एरियर्स की बात चल रही है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और बेसिकली हम जो भी कोई न्यूज़ डिस्कस करते हैं वो बेसिकली किसी इम्पॉर्टेंट नेशनल न्यूज़पेपर से होता है, कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल ऑर्डर होता है उसी के बेस पे किया जाता है। अगर आप कोई भी न्यूज़ जो कि आप यहाँ पे सुनते हैं या देखते हैं उनको आप एक बार ऑथेंटिकेट कीजिए। कई लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ देखे बगैर ही उसको जो है न्यूज़ से पहले अपने आप को नॉलेज दिखाते हैं कि उनको काफ़ी नॉलेज है उसके बारे में और वो फेक न्यूज़ लिख देते हैं। आप चेक कीजिए, जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वहाँ पे ये आपको अवेलेबल होगा और डिट्टो सिंगल जो एक एक बात है उसमें सारा सारा मेंशन होता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इन सब इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, सेवंथ पे कमीशन में जो मच अवेटेड वो है, अभी मिनिमम सैलरी और फिटमेंट फैक्टर के ऊपर बात चल रही है। जैसा कि मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि फिटमेंट फैक्टर मंजूर हो गया वो एक गलत न्यूज़ होगी क्योंकि उसके बारे में कोई भी अभी खबर नहीं है। लेकिन हाँ, जो मेन इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि जो 5% डीए बढ़ना था उसके ऊपर गवर्नमेंट ने जो है लगभग काम ख़त्म हो चुका है और वो जल्दी जो है सभी जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और अन्य गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए एक एक करके इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं अभी बेसिकली जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है उन्होंने अपने जो एम्प्लॉयज़ है उनका डीए जो है 5% बढ़ाने का फैसला लिया है और बेसिकली फैसला हो चुका है, सिर्फ उसको जो है इम्प्लीमेंटेशन की देरी है। 5% डीए बढ़ोतरी आधिकारिक ग्रेड में कर्मचारियों के लिए है और जो निम्न श्रेणी के कर्मचारी हैं उनको 3.2% डीए बढ़ोतरी होगी। तो अल्टीमेटली दोस्तों, आप ये इस न्यूज़ को कहीं पे भी आप चेक कर सकते हैं, सेम बात है। अगर हम केंद्र सरकार के या सेंट्रल गवर्नमेंट की मानें तो अभी जो है ये जो इम्प्लीमेंटेशन है वो गवर्नमेंट की तरफ से लगभग लगभग पूरी हो गई है। ऑर्डर की वेट की जा रही है, हर जगह यही बात की जा रही है कि जो गवर्नमेंट है दे आर प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट दिस बिफोर फेस्टिवल सीज़न, क्योंकि वो चाहते हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो है फेस्टिवल से पहले ये अच्छी न्यूज़ दें और अल्टीमेटली उसके बाद से जो है जैसे ही 5% बढ़ता है उसमें आपका जो है इंक्रीज इन सैलरी और एरियर जो है वो भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये था बेसिकली आज का इम्पोर्टेंट अपडेट। सभी सरकारी कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी और अभी बेसिकली जो मेन है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जहाँ पे की है ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।